बेटमा के बाजारों में शनिवार को जहां राखी की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी, वहीं रविवार को भी नगर में राखी, मिठाई और पूजन सामग्री की दुकानें खुली रही, लेकिन ग्राहकों की भीड़ न के बराबर रही। दुकानों के आगे सन्नाटा ही पसरा रहा, जिसके कारण बाजार खुलने में आदेश का निर्णय में देरी आ रही थी, पर नगर के लोगों की आवाजाही बनी रही। रक्षाबंधन त्योहारों के चलते रविवार को सड़कों पर लोगों की आवाजाही दिखाई दी। वहीं बाजार खुला करने का निर्णय लेने के देरी करने से अधिकांश महिलाओं ने शनिवार को ही खरीदारी कर ली थी, क्योंकि नगर में रविवार को लॉकडाउन रहता है। रक्षाबंधन के चलते इस बार राखी, मिठाई और पूजन सामग्री की दुकानें खुली। शनिवार रात को प्रशासन द्वारा राखी, पूजन सामग्री और मिठाई की स्थायी और अस्थायी दुकानें सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रखने का निर्णय लिया गया। हालांकि बाजार खुला रखने का निर्णय लेने में देरी के कारण अधिकांश महिलाओं ने शनिवार को ही खरीदारी कर ली। बेटमा से समाचार की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब के आदेश अनुसार आज सिर्फ मिठाई दुकान, नमकीन दुकान और राखियों की दुकान जो है उनको सिर्फ छूट दी गई है। और यहाँ पर हमारी राजस्व की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम और नगर परिषद की टीम, तीनों लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं। क्योंकि जो भी अनावश्यक बिना मास्क पहने हुए बाहर निकल रहा है घर से, उनके खिलाफ़ चालानी कार्रवाई करी जा रही है। और साथ ही एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत जो है उनको मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। आज रविवार के दिन जो शासन के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन होता है, पूरा लॉकडाउन है और ज़रूरत की जो छूट है वही दुकानें खुली हुई है। सर आज किन किन दुकानों को खोला गया? रक्षाबंधन, नारियल, फूल मालाओं की दुकान खुली है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।